Hello students, we'll continue with chapter 6, that is molecular basis of inheritance, and this is the part 10 of the video. और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं the machinery and the enzymes. जब हम बात करते हैं machinery and the enzymes की, इसका मतलब ये है कि हम पढ़ने वाले हैं कि जो process होता है replication का, उसमें कौन कौन से enzymes required होते हैं. ठीक है, देखिए जो replication का process है उसके बारे में मैंने आपको briefly बताया था अपने last video में, जिसमें मैंने आपको बताया था रेप्लिकेशन का फॉर्क से आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से सिंथेसिस होती है नए डीएनए स्ट्रैंड की, और उसके लिए देखिए जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क का डायग्राम है. इस रेप्लिकेटिंग फॉर्क में ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड इस तरह से दोनों स्ट्रैंड जॉइंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा. लेकिन जब इसमें रेप्लिकेशन होना होता है, मतलब डीएनए की कॉपी जब बननी होती है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होते हैं और डीएनए अनवाइंड होता है. ठीक है, अनवाइंड का मतलब होता है ओपन होता है, डीएनए ओपन होता है और फिर सिंथेसिस इस 5' to 3' डायरेक्शन में होती है. ये वाला जो स्ट्रैंड है जो इस डायरेक्शन में, जिसकी 3' डायरेक्शन इस तरफ है, वह उस स्ट्रैंड में तो सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उसमें कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होगा 5' से 3' डायरेक्शन में. लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी 5' डायरेक्शन इस साइड है, उसमें क्या होगा कि सिंथेसिस इस डायरेक्शन में तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3' to 5' डायरेक्शन में तो सिंथेसिस होती ही नहीं है. इसीलिए स्ट्रैंड जो है वो ओपन होता चला जाएगा और शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेचेस में डीएनए की सिंथेसिस होती जाएगी. और डीएनए की सिंथेसिस कौन करता है? डीएनए की सिंथेसिस करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ठीक है, अभी आप एनसीईआरटी टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ. देखिए, डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो डीएनए का पॉलीमर बनाता है. पॉलीमर तो अब आप समझ ही गए होंगे, पॉलीमर मतलब मोनोमर्स को यूज़ करके या छोटे छोटे यूनिट्स को यूज़ करके जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं. तो यहाँ पर मोनोमर्स क्या है? यहाँ पर डाई न्यूक्लियोटाइड्स जो कि मीडियम में प्रेजेंट हैं, वो डाई न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर हैं, और उन मोनोमर्स को ज्वाइन करके यहाँ पर डीएनए का मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी. तो डीएनए पॉलीमरेज इस काम को करता है जो कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है. अब डीएनए डिपेंडेंट, ये जो वर्ड है डीएनए डिपेंडेंट, इसका मतलब होता है कि जो डीएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे डीएनए बन रहा है तो डीएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है उसके लिए जो टेम्पलेट है वो भी डीएनए ही है. ठीक है, डीएनए को एज टेम्पलेट यूज करके डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस एंजाइम का नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, डीएनए को एज टेम्पलेट, टेम्पलेट का मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा. ठीक है, ये जो आपको जो मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारी वीडियोस आप सीक्वेंस वाइज देखिएगा. दिस इज़ द वीडियो नंबर 10. आप वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी. जब मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ कि डायरेक्शन हम किस रेफरेंस में लेते हैं, क्या क्या चीज़ें, जो जो नए नए वर्ड्स मैं यूज़ करती हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएंगे. आप सीक्वेंस वाइज देखिए. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की, मतलब वो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, और उसके लिए वो डीएनए को एज टेम्पलेट यूज़ करके तभी डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, उस एंजाइम को हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये जो सिंथेसिस होगा इस वाले स्ट्रैंड पर, वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेचेस में. ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट पीसेस में डीएनए का सिंथेसिस होगा. इन शॉर्ट स्ट्रेचेस को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं. ओकाजाकी, ओ के ए जेड ए के आई, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं. ठीक है, और फिर इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जॉइन कर दिया जाता है डीएनए लाइगेज के द्वारा. डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए के जो शॉर्ट सेगमेंट्स हैं उनको जॉइन करता है, एक एडहेसिव की तरह काम करता है. ठीक है, और ये फिर एक पूरा एक कंप्लीट न्यू डीएनए का पॉलीमर बन जाता है. तो ये वाला जो सिंथेसिस है इस वाले स्टैंड पे हो रहा है कंटिन्यूअस सिंथेसिस. ये वाला जो स्टैंड है जिसका 5' डायरेक्शन इस साइड में है, इसमें हो रहा है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस. अच्छा, इस क्योंकि इस वाले स्टैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, तो ये वाला जो स्टैंड है इस स्टैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, L E A D I
एन जी। और ये वाला जो स्ट्रैंड है जिसमें शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेचेस में सिंथेसिस हो रही है, इन शॉर्ट स्ट्रेचेस को वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, एल ए डबल जी आई एन जी, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब यहाँ पर कई नए टर्म्स से आप वाकिफ हो गए हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, रेप्लिकेटिंग फॉर्क के बारे में ही मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी का। ये डायग्राम एट टाइम्स ये लेबलिंग के लिए भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, और कभी कभी इसको ड्रॉ करके लेबल करने के लिए भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम एनसीईआरटी में क्या थ्योरी लिखी हुई है वो भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट दैट इज एंजाइम। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसमें रेप्लिकेशन के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है या एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। देखिए, रेप्लिकेशन चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे उसके अलावा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसमें जब भी रेप्लिकेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। और मेन एंजाइम कौन सा होता है? मेन एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों कहते हैं उसको ऐसा? क्योंकि ये एंजाइम यूज़ करता है डीएनए को एज टेम्पलेट और सिंथेसाइज करता है या कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है ये मोनोमरिक यूनिट है। ठीक है, जैसे मोतियों की माला में जो मोती हैं उनको हम मोनोमर कह सकते हैं और जो माला बन गई है उसको हम पॉलीमर कह सकते हैं। तो ये मोनोमर्स हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मोनोमर्स हैं, मोती के समान है, और जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल बना इन मोतियों को जोड़कर वो डीएनए है। तो डीएनए को एज टेम्पलेट यूज़ करके क्या बनाया जाता है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाया जाता है। किसके द्वारा? इस पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, दीज एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम एज दे हैव टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। देखिए, ये जो एंजाइम है, इस वाले एंजाइम की हम बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, ये एंजाइम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि ये बहुत कम समय में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन कर देता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत कम समय में ये मोतियों की बहुत लंबी सी माला बना देता है। और एक स्पेशल चीज़ और है कि ये जब ये जो अपना काम करता है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है जिससे कि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। ठीक है, तो ये एंजाइम हाईली एफिशिएंट होता है क्योंकि इसको कैटलाइज करना होता है पॉलीमराइजेशन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। अब ये आप मिसेलसन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पढ़ाया था उसको रिकॉल कीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको ग्रो किया जाता है N15 मीडियम में और फिर उसको N14 मीडियम में रखते हैं। तो कितने टाइम के लिए रखते हैं? 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि 20 मिनट्स में ई कोलाई बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ से जो 20 मिनट्स है इसका, इसमें देखिए 20 मिनट्स में ई कोलाई बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो ई कोलाई का जो जीनोम है, जो डीएनए है, उसका रेप्लिकेशन 20 मिनट्स में हो जाता होगा। ठीक है, तभी तो वो रेप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद तभी तो वो डिवाइड करेगा। तो 20 मिनट्स में पूरा रेप्लिकेशन हो रहा है पूरे डीएनए का, और पूरे डीएनए की लेंथ कितनी है ई कोलाई की? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। तो आप इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें कि 20 मिनट में इतना ज़्यादा इतनी लंबी जो लेंथ है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, इतनी लंबी लेंथ का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी एंजाइम का? एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का? एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होगा? वो होता है अराउंड 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर को वो जोड़ देता है, या हम कह सकते हैं कि एक सेकेंड में 2000 मोतियों को धागे में वो पिरो देता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग का जो डिप्लॉइड कंटेंट है, हैप्लॉइड कंटेंट का मतलब आई होप ये पता होगा आपको, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंटेंट। हैप्लॉइड का मतलब होता है 23 क्रोमोसोम अगर एक सिंगल सेल की बात करें, और
एक हेप्लॉइड सेल की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स, और डिप्लॉइड सेल का मतलब होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल का कंटेंट कितना होता है, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। तो इतने ज़्यादा लेंथ को पॉलीमराइजेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज जो है एक बहुत ही एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है, और वो एक सेकेंड में अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर तक न्यूक्लियोटाइड्स का, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन कर देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। Not only do these polymerases have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy. ये मैंने अभी आपको बताया, बहुत high accuracy के साथ ये enzyme work करता है, जिससे कि DNA में mistake ना हो, या कम से कम mistake हो। और अगर मान लो DNA में mistake ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो mutation के लिए responsible होगा, क्योंकि replication में अगर mistake हो जाती है, तो it results into mutation. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि सबसे पहले इट इज़ अ वेरी फास्ट एंजाइम, ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू होगा, इट वर्क्स विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्लियर। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो रेप्लिकेशन है ये एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस किसी भी प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, देखिए मैंने आपको बताती आ रही हूँ कि मोनोमर्स जो है, ये एक मोनोमर है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी क्योंकि इसके टू प्राइम कार्बन पर सिर्फ एच प्रेजेंट है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और ये एक सिंगल मोती है, ठीक है। अब इस उसी तरह से दूसरा ऐसा ही मॉलिक्यूल, वो दूसरा मोती होगा, इसी तरह का तीसरा मॉलिक्यूल, वो तीसरा मोती होगा, मोती के समान, ठीक है। अब इन तीनों मोतियों को जब जोड़ने की बात आती है, तो क्या होता है कि ये वाला जो दो फॉस्फेट्स जो हैं, ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें तीन फॉस्फेट है, ठीक है। ये एक मोनोमर है, मोनोमर एक मतलब ये एक सिंगल मोती के समान है, लेकिन जब मोतियों की माला बननी होती है, या हम कह सकते हैं कि जब पॉलीमर बनना होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का, तो इन दोनों जो फॉस्फेट्स हैं, ये दोनों फॉस्फेट्स जो हैं, इनको यहाँ से रिमूव करना पड़ता है, तब जाकर ये शुगर दूसरे वाले शुगर से ऐड होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये एक मोनोमर है, और इसमें जब ये दो दूसरे शुगर के साथ जब ये जॉइन होगा, तो जॉइन उससे पहले इसके जो दो फॉस्फेट है ये रिमूव हो जाएंगे, और ये यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ इस वाले पोजीशन पे, थर्ड कार्बन पे, ठीक है। उसी तरह से जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, उस मॉलिक्यूल के भी जो दो फॉस्फेट ग्रुप हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, और वो फिर आगे फिर फर्दर नेक्स्ट जो शुगर होगा उसके साथ बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये मोनोमर की तरह वर्क करता है, और दूसरा ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट है मोनोमर की तरह वर्क करता है, और दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि जब ये वाले बॉन्ड्स टूटते हैं, ये वाले बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं, तो वो हाई एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। इसको आप ये वाले डायग्राम से और समझिए, इस वाले डायग्राम में देखिए दिखाया गया है कि ये एक शुगर, ठीक है, शुगर का पे यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये दूसरे वाले शुगर से ऐड होगा, और इसी तरह से ये जो लेंथ है, जो डीएनए की लेंथ है, वो इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी, इस तरह से। और ये जो दो फॉस्फेट हैं ये सेपरेट हो गए, ठीक है, ये वाले जो दो फॉस्फेट हैं
ग्रुप है, ये इनको यहाँ पे सेपरेट होते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पसेस, इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, किस सबसे पहले तो ये सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है क्योंकि ये जो है ये मोनोमर है। ठीक है, क्योंकि ये मोनोमर है और इसी मोनोमर से का पॉलीमराइजेशन होके ही पॉलीमर बनना है, डीएनए बनना है। और दूसरा फंक्शन ये है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है उसका क्या दो पर्पसेस हैं, कैसे वो डुअल पर्पसेस सर्व करता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आप आंसर में ये वाले पॉइंट्स मेंशन करेंगे दोनों। द टू टर्मिनल फॉस्फेट्स इन अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आर हाई एनर्जी फॉस्फेट सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। जिस तरह से एटीपी में ये दोनों जो फॉस्फेट्स होते हैं ये हाई एनर्जी वाले ग्रुप्स होते हैं, उसी तरह से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में भी ये दोनों हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन टू डी एन ए डिपेंडेंट डी एन ए पॉलीमरेज मैनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और इसके अलावा और एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जिससे कि ये जो प्रोसेस है वो हाई एक्यूरेसी के साथ, रेप्लीकेशन का प्रोसेस हाई एक्यूरेसी के साथ कम्प्लीट हो सके। For long, DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length, due to very high energy requirement, the replication occurs within a small opening of DNA helix, referred to as the replication fork. अब इसका मीनिंग समझिए। देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस तरह से ये डीएनए है और इस डीएनए को, पूरे डीएनए को अनवाइंड करना जो है एक तरह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें हाई एनर्जी चाहिए पूरे के पूरे स्ट्रैंड को अनवाइंड करने के लिए, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फिर प्रोसेस कैसे होगा रेप्लिकेशन का, जब तक डीएनए अनवाइंड नहीं होगा तो फिर रेप्लिकेशन कैसे होगा। वो रेप्लिकेशन इस तरह से होता है कि डीएनए जो है वो शॉर्ट स्ट्रेचेस में, ठीक है, ओपन होता रहता है और वहाँ पर रेप्लिकेशन होती रहती है। इस तरह से ये यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ से ओपन हो गया और यहाँ से ये उसी तरह से पहले वाली पोजीशन में रहा। यहाँ से जब ये ओपन हो गया तो ये इस पोजीशन पे अब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है, इसे रेप्लिकेशन बबल भी कहते हैं। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और ये एक तरह से फॉर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। फॉर्क देखिए, ये इस तरह से ये फॉर्क जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, जैसा कि आपने यहाँ डायग्राम में भी देखा था। ये रेप्लिकेशन, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ये यहाँ तक ये वाला पॉइंट ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है यहाँ तक और यहाँ से ये अनवाइंड हो गया, तो ये फॉर्क के जैसा स्ट्रक्चर ले लिया। यहाँ पर ये अनवाइंड होते हुए यहाँ पर शो किया गया है। द डी एन ए डिपेंडेंट डी एन ए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3', दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एज द रेप्लिकेटिंग फॉर्क कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्टैंड द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3' to 5', द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस वाइल ऑन द अदर द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 5' to 3', इट इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट आर लेटर जॉइन बाई दी एंजाइम डी एन ए लाइगेस। ठीक है, अब ये जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वही चीज़ लिखी हुई है एन सी आर टी में। इसमें कहा गया है कि जब दोनों स्टैंड अनवाइंड होंगे तो एक की डायरेक्शन जो हमेशा जो डायरेक्शन होती है, रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से, वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है प्रोसेस। तो जब रेप्लिकेशन होगा तो जब दोनों स्ट्रैंड्स अनवाइंड होंगे तो यहाँ तो 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें 5' डायरेक्शन इस साइड है, तो यहाँ इस तरह से शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेचेस में जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस होगी। तो इसलिए एक स्टैंड पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है और दूसरे स्टैंड पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। और ये जो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचेस जो होती हैं डीएनए की, इनको लेटर जॉइन कर दिया जाता है किस एंजाइम के द्वारा,
डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा, और इसको मॉलिकुलर ग्लू भी कहते हैं डीएनए लाइगेज को, क्योंकि ये ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, द प्रोसेस द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैनॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स। अब देखिए, जो ई कोलाई का जो डीएनए होता है, ई कोलाई के डीएनए में एक पर्टिकुलर रीजन होती है जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको ओ आर आई सी और आई सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को, और जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे तभी ये रिपीट होगा ये पॉइंट। तो ई कोलाई जो है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट से डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं होता है कि रेप्लिकेशन कभी भी कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, और इसको स्टार्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, और वो पर्टिकुलर रीजन जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर रिक्वायर्स अ वेक्टर। ये वाला पॉइंट जो है रिलेटेड है आपके बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डीएनए का पीस है उसका रेप्लिकेशन करना है, तो उसका रेप्लिकेशन जब करते हैं तो उसको हम वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमें डीएनए का पीस इंट्रोड्यूस करना है इस पोजीशन पे, तो हमने उसे वेक्टर के अंदर लाइगेट किया, वेक्टर के अंदर उसको ज्वाइन कर दिया, जिससे कि जब रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो, तो क्योंकि वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो यहाँ से जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए की जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट में कहा गया है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की ज़रूरत इसीलिए भी है क्योंकि अगर एक डीएनए का पीस को जब रेप्लिकेट करना होता है तो उसके लिए हम वेक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ओके, सो द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। अभी ये पूरा प्रोसेस, अभी इस पर रिसर्च वर्क अभी हो रहा है, अभी पूरी तरह से ये प्रोसेस अभी समझा नहीं गया है, इसको समझा जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन जो 2019 बोर्ड एग्ज़ाम के हैं, अभी फ़िलहाल 2019 बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ अ रेप्लिकेशन फॉर्क, व्हाट रोल डज द एंजाइम डीएनए लाइगेज प्ले इन द डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क। इसमें आप रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम बना के उसे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आप कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस को भी आप एक्सप्लेन करेंगे, और डीएनए लाइगेज का क्या रोल है। डीएनए लाइगेज का रोल ये है कि जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसमें जो शॉर्ट स्ट्रेचेस हैं डीएनए के, उनको ये जोड़ने का या लाइगेट करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, इसको जब ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन अ क्रोमोसोम। देखिए, ये क्वेश्चन भी 2019 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन अ क्रोमोसोम, स्टेट इट्स फंक्शन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या रोल है और उसका फंक्शन क्या है। दिस इज़ अ पॉइंट ऑन डीएनए वेयर रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स और स्टार्ट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है डीएनए में जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। प्लस इट कंट्रोल्स अ कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए को भी ये कंट्रोल करता है। कॉपी नंबर का मतलब होता है कि डीएनए की कितनी कॉपीज बनेंगी, मतलब एक सेकेंड में डीएनए की लेट्स से 100 या 1000 कितनी कॉपीज बननी है, इस चीज़ को भी ये कंट्रोल करता है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ये आप दोनों पॉइंट्स मेंशन करेंगे। इन यूकेरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेस ऑफ द सेल साइकिल। अब देखिए, सेल साइकिल जब आप पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ी होगी आपने, उसमें आपने देखा होगा कि जो G1S, G2M ये फेसेस होते हैं। ठीक है, G1S, G2 और M ये फेसेस होते हैं सेल साइकिल में। ठीक है, तो इन फेसेस में जो एस फेस होता है, ये वाला जो एस फेस है, इस पर्टिकुलर फेस में ही
जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है. द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड. तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सेल डिवीजन जो साइकिल है ये दोनों हाईली कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, नहीं तो पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, कोई ना कोई क्रोमोसोमल अनोमली हो जाएगी. इसके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. देखो इस पॉइंट को आप ध्यान से समझो कि ये एक एक सेल है, वो सेल सबसे पहले जीवन फेज से गुजरी, ठीक है. अब उस सेल के अंदर रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होने के बाद वो जी टू फेज से गुजर के फिर उसमें डिवीजन होगा. ये जो एम फेज है यहाँ पर डिवीजन होता है, चाहे मियोसिस हो या माइटोसिस हो, ये डिवीजन फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर उसका डिवीजन हो जाएगा, ठीक है. तो सेल का रेप्लिकेशन हुआ, सेल की ग्रोथ हुई और फिर उसका डिवीजन हो गया. फिर सेल में रेप्लिकेशन हुआ, ग्रोथ हुई और फिर उसका डिवीजन हो गया. लेकिन अगर ये दोनों प्रोसेसेस कोऑर्डिनेटेड नहीं है, रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटी हो जाएगी. सपोज़ यहाँ पर रेप्लिकेशन तो हो गया डीएनए का, डीएनए की कॉपी तो बन गई, लेकिन यहाँ पर डिवीजन नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो सेल है सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स या जितना डीएनए होना चाहिए था ओरिजिनली, उसका डबल डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है. और सपोज़ ये वाली जो सेल है फिर से अगेन इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, लेकिन डिवीजन फिर से फर्दर नहीं हुई, तो इसके अंदर और ज़्यादा एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट हो जाएगा. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी. ये एक क्रोमोसोमल एनोमली है जिसमें जिसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं. पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि जितने एक सेल के अंदर क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेट से मैं बात करूं, लेट से 15 पेयर क्रोमोसोम अगर होने चाहिए तो 15 की जगह अब क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल हो गया है, ठीक है. अब यहाँ पे 30 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, या फिर लेट से 30 के से और ज़्यादा भी 60 पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो वो इसलिए होता है क्योंकि सेल में रेप्लिकेशन तो हो जाता है, लेकिन रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवाइड नहीं करती है, तो इस ये कंडीशन रिजल्ट करती है पॉलीप्लॉइडी में. हायर क्लासेस में आप ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है. ये अभी तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये दोनों हाईली कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, नहीं तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन रिजल्ट कर सकती है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक. और कल नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. थैंक यू.